ये देखो ये कैसा हुआ, कितना एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। देखने में कैसे लग रहा है, सब साइड्स अलग अलग लग रही हैं, तो स्केलिन एंगल ट्राइंगल, राइट। इसको देखिए ये एंगल कितना होगा, चांदा लगा के देखते हैं, आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है 120 आ रहा है, कौन सा हुआ, आधे कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ट्राइंगल दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड मेजर करेंगे और एंगल्स मेजर करेंगे और फिर बताएंगे ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। आप सबको मैं जो हूं कुछ ट्राइंगल्स दे रहा हूं, उन ट्राइंगल्स को मेजर करके सबकी साइड बताएंगे और सबके एंगल आप चांदे से नोट करेंगे, ठीक है। हर तरह के ट्राइंगल्स की आप साइड भी बताएंगे और एंगल भी बताएंगे, ठीक है। स्केल से आप साइड मेजर करेंगे और प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। पहले सब पीले वाले को करेंगे, ठीक है, फिर काले वाले को, फिर हरे वाले को, पर जल्दी जल्दी करेंगे। तीनों एंगल मेजर करके देखिए, क्या पीले वाले में तीनों 60 आ रहे हैं, तीनों 60 आ रहे हैं पीले वाले में, करके देखिए। पीला वाला, खाली पीले वाले की बात कर रहा हूं अभी, पहले पीले वाले में क्या तीनों 60 आ रहे हैं कि नहीं, किस वाले में, हरा वाला, देखिए उल्टा देख रहे बेटा, देखो यहाँ पे रखा, ठीक है। तुम ये वाला नहीं देख रहे ना, ये वाला देखो नीचे वाला, ठीक है ठीक है। इसको कैसे नापेंगे, इसको टेढ़ा कर दीजिए, सब नाप लिए, सारे एंगल 60 आ रहे हैं पीले में सबके, ठीक है। अगर सारे एंगल 60 आ रहे हैं तो सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है, सब 90 से कम है, सब 60 60 60 तीनों 90 से कम है, तो कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब तीनों की साइड मेजर करके देखिए कितनी आ रही है, तीनों की साइड मेजर करके देखिए क्या बराबर आ रही है, एंगल तो सबके 60 60 आ रहे हैं, सबकी साइड मेजर करके देखिए क्या बराबर आ रही है, बराबर है तीनों, हाँ सुन, तीनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक करके देखिए, तीनों साइड बराबर आ रही हैं, तो देखिए एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है और तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलेटरल भी है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये पीला वाला ट्राइंगल एक्यूट एंगल भी हुआ, चूंकि इसमें सारे एंगल लेस देन 90 हैं और चूंकि तीनों साइड बराबर हैं तो क्या हुआ, इक्विलेटरल भी हुआ, पूरा नहीं, एक एक बताओ, एक एक साइड बराबर है, 12 12 12, ठीक ठीक है, तो तीनों इक्विलेटरल हुए। आप काले वाले पे आ जाएं, काला वाला तो देखने से ही मालूम पड़ा है कि कौन सा है, राइट एंगल वाला है, समकोण है, वो तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है 90 डिग्री, एक बार मेजर करके देख लीजिए। अच्छा इसकी साइड मेजर कर लीजिए, 90 डिग्री आ रहा है, यानी काला वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, काला वाला जो आपको दिया गया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब साइड मेजर करके देखिए कि इसके साइड कैसे हैं,
में देखिए कि ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है और ये कितनी आ रही है। ये दो 14-14 आ रहे हैं और ये स्केल छोटा पड़ जा रहा है। चलो 20 है। तो काले वाले को अगर देखें तो 90 डिग्री है यानी राइट एंगल है, ठीक है, और दो साइड भी इक्वल हैं यानी आइसोसेलेस भी है, ठीक है, दो साइड भी इक्वल हैं 14-14, तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, ठीक है। अब इसके बाद हरे वाले पे आ जाएं। हरे वाले का एंगल मेजर करके बताएं कितना है। 120 आ रहा है, चेक करके देखिए। प्रोटेक्टर से निकाल के देखिए, कितना आया। प्रोटेक्टर से मेजर करके देखा, ये वाला एंगल 120। चेक करके देखो, ऐसे नहीं 120, 100 आ रहा है, चेक करो। कौन सा 20 सेंटीमीटर साइड, ये वाली लंबी वाली, हाँ ये वाली ना 20। चलो एंगल कितना है, तो वो कैसे? एंगल 115 आ रहा है। लाइए देखे, ठीक है, एक सौ दस के आगे देखिए, 1, 2, 3, 4 आगे तक कितना आ रहा है। 110 तो बड़ी वाला है, उसके बाद छोटे 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 कितने हो रहे हैं, ठीक है। 115 ये आ रहा है और साइड बताइए क्या क्या है, ठीक है, ये कितना आया 20 और बाकी ये दो साइड कितनी आई, 1, 20, 20, 30, 15। ओके 20, 30, 15। तो हमने देखा एक एंगल 90 से ज्यादा भी है, एक एंगल 90 से ज्यादा यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है, और तीनों साइड अलग अलग तरह की है, तो क्या हो गया स्केलिन। हमने जब पीला वाला लिया था तो पीला वाला इक्विलेटरल आया, काला वाला आइसोसेलेस आया और हरा वाला स्केलिन आया, ठीक है। पीला वाला एक्यूट एंगल आया, काला वाला राइट एंगल आया और हरा वाला ऑब्ट्यूस एंगल आया, ठीक है। अब सबके साइड्स आप लोग ने मेजर कर रखे हैं ना, और सबके एंगल मेजर कर डालिए। पीले वाले का सबने नाप लिया कि नहीं ये बताइए, पीले वाले का सबने नाप लिया है, कितना है 60, 60, 60, तीनों को जोड़िए कितना आ रहा है 180, ठीक है। अब काले वाले के तीनों निकाल लीजिए, एक तो 90 है, बाकी दो एंगल कितने आ रहे हैं, 14, 14। दोनों एंगल एक एक करके बताइए मुझे, स्केल से बेटा एंगल नहीं मेजर होता, प्रोटेक्टर से मेजर होता है, चांदे से मेजर कीजिए, स्केल से नहीं। साइड नहीं, एंगल पूछ रहा हूं, 45। ये कितना आया 45, ये भी कितना आ रहा है 45, और ये क्या है 90। जोड़ के देखिए, यहां पे हमने 60 और 60 और 60 जोड़ा कितना आया, और यहां पे हमने 90 और 45 और 45 जोड़ा कितना आया 180। अब इस वाले में देखते हैं, ये 115 है, बाकी दो एंगल निकालो,
30 है चेक करो 45 है चेक करके देखो। अब ये देखिए कितना हुआ 20 115 और 45 कितना हो रहा है जोड़ के देखिए 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ किसी भी तरह का त्रिभुज ले लो उसके जब कोण को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा 180। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री होना है। सारे कोणों को अगर त्रिभुज के जोड़ दो तो हमेशा 180 ही आएगा चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ठीक है हाँ। अब अगर जरा फिर पीले वाले को देखो कोण नहीं समझ में आ गया सारे कोणों को जोड़ो तो हमेशा 180 आता है। ठीक है अब आते हैं साइड पे देख लो कोई भी दो साइड को जोड़ो यहाँ पे तो सब एक जैसे हैं 12 और 12 24 ये क्या तीसरे से बड़ा हुआ तीसरी साइड से बड़ा हुआ तीसरी साइड में क्या है 12 है तो दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे आपने बताया 14 14 20 हम दो छोटी वाले को ले लें। ठीक है 14 और 14 कितना हुआ क्या ये 20 से बड़ा है ठीक है यहाँ पे देखिए 20 और 15 हम तो खाली छोटे छोटे साइज को ले रहे हैं बड़े वाले को ले लेंगे तो बात ही क्या है कितना हुआ 35 30 से बड़ा है। तो किसी भी दो साइड को अगर हम उन लेंथ को जोड़ते हैं तो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आता है क्योंकि देखो हम लोगों ने छोटी छोटी वाली ले अगर 20 और 14 कर देते तो वो तो 14 से बड़ा होता ही। ठीक है 30 और 15 या 20 लेते तो वो तो 20 से बड़ा होता ही। हम लोगों ने छोटी से छोटी साइड भी ली तो उन दोनों को ऐड करने से तीसरी साइड से बड़ा मिला। ठीक है किसी भी तरह का त्रिभुज लिया दो तरह की चीज मिली एक सारे एंगल मिलाओ तो 180 डिग्री दूसरा किसी भी दो साइड को जोड़ो तो तीसरे साइड से बड़ा। ठीक है किसी भी दो साइड को छोटी से छोटी बड़ी भी कोई लेना चाहो तो ले लो। ठीक है छोटी ले यार तब तो बड़ा हो गया दो साइड को जोड़ो तो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा ही होगा। ठीक है सबने करके देख लिया ओके थैंक यू एवरीवन।